देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अति प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान रखने वाला गया शहर को अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ना तो देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया गया और ना ही विश्व प्रसिद्ध सीताकुंड मंदिर होने के बाद भी गया को रामायण सर्किट से नहीं जोड़ा गया, जबकि वर्षों से इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, पूर्व विधायक मोहम्मद अली खान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, प्रद्युमन सिंह, विनोद उपाध्याय, उदय शंकर पालित, शिव कुमार चौरसिया, श्रवण पासवान, बबलूराम राजीव रंजन गया कॉलेज, मिथिलेश सिंह, मोहम्मद आफ्ताब आलम खान, विपिन बिहारी सिन्हा, कुंदन कुमार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, मोहम्मद शमीम आलम आदि ने कहा कि बिहार के पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया, परंतु गया शहर को स्मार्ट सिटी बनवाने हेतु गया पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर केंद्रीय नगर विकास एवं आवास मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया, परंतु अभी तक गया को स्मार्ट सिटी नहीं बनाना पूरी तरह सरकार की अनदेखी है। तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रामायण सर्किट से भी गया को अभी तक नहीं जोड़ा गया, जबकि भगवान राम सीता सहित रामायण से जुड़े बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, गया एवं बक्सर को रामायण सर्किट से जोड़ने की वर्षों पुरानी योजना है। नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गया की शुरू से अनदेखी करती आ रही है। वर्षों से शिलान्यास किया हुआ स्टील प्रोसेसिंग प्लांट एरू वजीरगंज गया का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं होना, विष्णु पद कॉरिडोर का निर्माण कार्य का कोरा आश्वासन, तिलैया ढाड सिंचाई योजना पूरा करने आदि मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी लंबित मांगों का विलंब पूरा कराने हेतु जन जागरण, धरना प्रदर्शन से लेकर पटना दिल्ली तक का कार्यक्रम आयोजनों के सहयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तथा विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान रखने वाला गया के विकास की अनदेखी विगत 9.5 वर्षों से केंद्र की सरकार करते आ रही है। को देश के स्मार्ट सिटी, इसमें बिहार के पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर शामिल है और गया के लोग और गया जो पूरा अहर्ता पूरा करता है स्मार्ट सिटी का, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर गया के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लेकर के विश्व स्तरीय स्टेशन सहित वहाँ का विश्व प्रसिद्ध है महाबोधि मंदिर, बोध गया का विश्व प्रसिद्ध भगवान विष्णु की मंदिर के साथ साथ सभी की के अहर्ता होने के बाद भी इसे अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बनाया गया। और दूसरी ओर गया के साथ साथ गया, दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर जो कि रामायण सर्किट से जोड़ने की बात की, वो भी आज तक रामायण सर्किट से गया को नहीं जोड़ा गया। दूसरी ओर वर्षों से लंबित हमारा एरू स्टील प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि एक उद्योग का बहुत ही बड़ा जरिया यहाँ खड़ा होता, लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाए केवल केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। उसी तरह से विष्णु पद कॉरिडोर अभी तक नहीं बना, केवल थोड़ा आश्वासन मिल रहा है। सभी विकास के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी खूब से आंदोलन करते आ रही है और खास करके रामायण सर्किट पर लगातार गया पटना से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन करके केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देने का भी काम किया है और केवल वहां से लिखित रूप से आश्वासन आया है कि अगले स्टेज में स्मार्ट सिटी बनेगा, अगले स्टेज में बनेगा। मैं चाहता हूं और हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से, जल्द से जल्द गया को स्मार्ट सिटी और रामायण सर्किट से जोड़ने, नेहरू स्टील प्रोसेसिंग प्लांट बनाने और विष्णु पद कॉरिडोर आदि का निर्माण कराने की मांग को लेकर के फिर हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय जवान। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।